मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके MM पहाड़ी के रहने वाले मोहम्मद मुस्तफा नामी एक शख्स पर इन्हीं के साले और साले के साथी 10 से 15 लोगों ने मिलकर इन पर हमला कर दिया और इस हमले में ये शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफा की शादी 4 साल कबल संगारेड्डी की रहने वाली एक खातून से हुई थी। मुस्तफा का कहना यह है कि शादी के बाद से ही इनकी अहलिया और सास और साला मिलकर इन्हें हरासा कर रहे थे। मुस्तफा ने पुलिस और हुकूमत से इंसाफ की अपील की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं MM पहाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में जो है मेरी वाइफ के संगत ऐसी गाली गलौज होने के चक्कर में जो है मेरा साला जानलेवा हमला करा मेरे पर। दोस्तों को गैंग को ऊपरा लाके इस्लामी याकूबपुरा इस्लामिया कॉलेज के पास आके मेरे को जान से मारने की कोशिश थी उसकी पूरी। उसकी कोशिश नाकामयाब हुई, मेरे को पब्लिक बचा ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। पूरे टाके भी लग गए टाके। आपके वाइफ के बीच में तो झगड़ा हुआ, उसकी क्या वजह? मेरी वो उन्होंने मेरे संगात सही नहीं रह रहे थे, बात करी कि लड़ना झगड़ना चल जाना। एक 6-5 साल से ये चल रहा, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन यही चल रहा। उन्होंने मेरे संगात रहना भी नहीं चाह रहे, रह रहे भी नहीं और डिमांड कर रहे हैं 5-5 लाख दियो, छोड़ दे रहे तो 10 लाख दियो। बोल गया था डिमांड कर रहे हैं उन्होंने मेरे पर, बहुत तो बस से बस जलन करके रख दिया उन्होंने मेरे को। बहुत उन लोगों को मैं ऐसा गाड़ी की चाबी फिरा रहा हूँ, ऐसा चाबी फिराते कि दनादन दनादन मारम पीटी पूरा शुरू हो गया था उन लोगों से। उसके बाद पूरा मेरे को निकल पंच लेके एक जना मार दिया, मेरे को पकड़ लिए थे। उन लोगों की पूरी गैंग थी, उन लोगों की उन लोग प्लानिंग से आए थे पूरा। तो मैं क्लिनिक में अंदर चले गया था, मैं तो मैं 100 को फोन करते कि फिर पुलिस वाले आए, मेरे को पब्लिक बचाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। लेकिन मैं भी काम काज करने वाला हूँ, मार्केटिंग करने वाला हूँ। अगर मैं इधर उधर फिरते रहता हूँ, अकेला फिरते रहता हूँ, कभी भी लोग कुछ भी कर सकते। और पुलिस कंप्लेंट भी नहीं हुई मेरी, FIR भी नहीं लिखा है मेरी। आ जाओ खाली, कब FIR ले लेके चल जाओ। और उसको छोड़ दिए और स्टेटस लगा रहा उन्हें, FIR भी नहीं लिखे और उसको छोड़ दिया। आम खास ऐसा आज़ाद शेर के जैसा छोड़ दिया उसको, गैंगलर है चाहते साहब। ऐसा बेफिक्री से संगारेड्डी से हैदराबाद को डेर नहीं से होके आगे मेरे को मारम पीटी करके एकदम मर जाता था समय। अल्लाह का शुक्र है पुलिस वाले एक्शन ले लिए, कंपरमेज करा दो कंपरमेज करा दो बोल के भर रहे भाई। गाली गुलज दिया भाई, मेरी जोरू को दिया वो सही बात है, जोरू मरद के बीच में चलते रहता वो। तो उन लोगों की क्या जरूरत, मैं बातचीत करता हूँ समझा। आगे सीधा मेरे को जानलेवा हमला कर दिया उन्होंने। 5 साल हो रहा था, 2000 बच्चे कुछ भी नहीं है साहब। उन्होंने साथ में रहेंगे तो बच्चे होंगे ना, बच्चे ही नहीं है। रहते 1 महीना 2 महीने रहते, फिर मेरे ऊपर हरासमेंट का केस डालते बोल के बोल रहे मेरे ऊपर। मैं कुछ भी हरासमेंट करा ही नहीं है भाई, क्या है सुबह में कहते शाम में मार्केटिंग करने वाला हूँ। बार बार उनकी वजह क्या है कि क्या नहीं कि समझ में नहीं आता। मैं बात करे की बुलाते रहते मैं न्यानी के ऊपर में, उन्होंने मैं गाली गलौज करा उनके ऊपर, ऐसा उन्होंने उल्टे जवाब दे रहे, गालियां दे रहे, ये देख रहा छाती मार के बोल रहे, ये देख रहा औरत औरत कुछ भी कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता, तू आदमी है ना, तू इसके नीचे रहता, तू कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं फाड़ ले सकता बोल के बोल रहे। मेरे को इधर रैन मदार पुलिस स्टेशन में हुआ था मेरे शादी, पूरे लोगों के गांव के लोग आ गए थे, पूरे 50-60 लोग आ गए थे। कल लोग यही बोल रहे थे केस हटा दो केस हटा दो, मैं केस नहीं हटाता हूँ बोल के बोला साहब। कल के दिन जो है मेरे को कुछ भी हो जाएगा, जानलेवा हमला हो जाएगा साहब, मैं अकेला फिरता हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। ये जो है मेरे सास है इनू और मेरी ये वाइफ है, ये जो कल मेरे पर जानलेवा हमला करा है, इसकी कोशिश नाकामयाब हुई। दोनों में से ये जो बगर मास्क जो है वो मेरा साला है, मेरे पर हमला करा, निकल पंचे मारा, मेरे आँख फूट जाती थी, शुक्र है अल्लाह का मेरा बच गई मेरी आँख। पुलिस उस्मानिया हॉस्पिटल को गया था मैं, मेरा साला स्टूडेंट है सर मेरे साले जी। हाँ,
मेरे को इंसाफ होना साहब, मैं कभी भी किधर भी जाते रहता हूँ फिरते रहता हूँ साहब, मेरे को इंसाफ होना, मेरे को कभी भी किधर भी कुछ भी कर देंगे लोग, मेरे को जान का धोखा है लोगों से, कभी भी कुछ भी लोगों की तरफ से मेरे दुश्मना वुश्मना कुछ भी नहीं है साहब, मेरा लोगों से दुश्मना। मैं रहना चाह रहा हूँ सीधा तरीके से, अगर रहना चाह रहे तो रहता हूँ साहब, ऐसा नहीं उन्होंने रह रहे मेरे संगत, छोड़े तो मेरे पर डिमांड कर रहे 5 लाख दियो 10 लाख दियो बोल के बोल रहे, ऐसे डिमांड कर रहे हैं और मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे साहब, मेरे संगत रह रहे भी नहीं छोड़ रहे भी नहीं मेरे साथ, खाली फंसा दियो बोरे हाँ केसों पे केस। और मैं कॉल करके बोला इनको पुलिस स्टेशन में, मेरा और तुम्हारे भाई का किस है, तुम्हारे से तो लड़े झगड़े कुछ भी नहीं है ना, तुम आते तो आ जाओ बोल के भी, हाँ हाँ तेरे को शर्म इश नहीं है क्या रे अभी बोल के बोल रहे हो ना मेरे को, कल मेरे को शर्म इश नहीं है बोल के तू अब फिर बुला रहा मेरे को शर्म इश नहीं है बोल के बोल रहे हो ना मेरे को, 5-10 मिनट में छुड़ा के लग जाती हूँ मेरे भाई को बोल के बोल रहे हो ना पुलिस स्टेशन में, मैं लेके गया तो भी 5-10 मिनट में छुड़ा लेती हूँ, क्या करता अब मैं तेरे ऊपर चढ़ाती हूँ केस बोल के बोल रहे हो ना मेरे ऊपर, प्लीज मेरे को हेल्प होना था कोशिश मेरे लिए, गवर्नमेंट तेलंगाना पुलिस से मेरी यही गुजारिश है, मेरे को जान ले हमला किधर भी हो सकता था, मर्द गलत नहीं रहता औरत भी गलत रहती है, हर बार देखना चाहिए सर, थोड़ा जान करिए इसमें तहकीकात करिए सर, घर के जिम्मेदारियां हैं साहब, मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं होना साहब, ये 5 साल से ये चल रहा कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन ये छे था, मैं भी घर का जिम्मेदार हूँ, मैं भी करके खाने वाला हूँ, सुबह में गए तो शाम में आते हम लोग अभी कर काज के खाने वाले, मेरे को घर की जिम्मेदारी है, मैं ये लड़ाई झगड़े में नहीं रहना चाह रहा हूँ, या तो मेरे को इंसाफ होना या तो मेरे को पुलिस वाले से इंकाउंटर कर दो या तो मेरे को सुसाइड करके मर जाता हूँ साहब, बहुत तकलीफ हो गई है, 5 साल से बहुत परेशान करके रख दिया लोग, डिमांड कर रहे 5 लाख कहाँ से लूँ साहब, मैं 10 लाख कहाँ से लूँ बोलिए। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, 7H न्यूज।